हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक स्टडी आईडियापुर में। आज हम बात करने वाले हैं एचएल नासिक की तरफ से एक अपडेट निकल कर आई है, उसके बारे में हम यहाँ पे जानने वाले। एक कैंडिडेट ने हमको मेल भी किया है, दो तीन कैंडिडेट ने, उन्होंने क्या मेल किया है उसके बारे में जानेंगे। क्या डीवी का नया शेड्यूल जारी हो गया है एचएल नासिक का, वहाँ पे भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उस मेल को ओपन कर लेते हैं जो हमें कैंडिडेट्स ने भेजा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, हमारा ऑफिशियल मेल आईडी है टेक स्टडी आईटीआईपुर पे। अगर आप भी शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें शेयर करके मेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो कैंडिडेट हैं, एक सौरभ हैं, एक आकाश करके, इन्होंने हमें मेल किया है। अब यहाँ पे इनका हम मेल ओपन करते हैं। जैसे हमने इनका मेल ओपन किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग 2023-24 एचएल नासिक की तरफ से। इन्होंने हमें फॉरवर्ड किया। इनके पहले इनका सौरभ का देख लेते हैं क्या इसमें कहा गया कि डियर कैंडिडेट, ग्रीटिंग फॉर एचएल नासिक, वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म द योर कैंडिडेचर इज बींग कंसिडर्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग 2023-24 अंडर द अप्रेंटिस एक्ट, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एयरक्राफ्ट डिवीजन ओझार नासिक की तरफ से यहाँ पर निकाली गई थी वैकेंसी, जैसा कि आप सबको पिछले मेल में बताया गया था। प्लीज़ फाइंड द अटैचमेंट, यहाँ पे अटैचमेंट वन में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, अटैचमेंट टू में यहाँ पे शेड्यूल दिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, अटैचमेंट थ्री में यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं सभी डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के, जो जो डॉक्यूमेंट उनका दो दो प्रिंटआउट आप लेकर के आएंगे। ये डॉक्यूमेंट जो शेड्यूल था ये कैंसिल हो गया था, 6 तारीख से लेकर 16 तारीख तक चलने वाला था, जिसको कैंसिल कर दिया गया था। अब यहाँ पे नया शेड्यूल जारी है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले। नए शेड्यूल में 30 तारीख से यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है प्लीज़ गो थ्रू द अटैचमेंट 1, 2, 3 सब चीज़ आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर हम यहाँ पे ओपन करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अटैचमेंट। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन जो पहला है पहले को देखते हैं, उसमें क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले करके जाने। तो यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, नेट इशू की वजह से थोड़ा सा नेट स्लो है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरा डाउनलोड हो चुका है, हमने यहाँ पे मेल को ओपन कर लिया। जैसे हमने ओपन किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टैम्प्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर आना है एचएल नासिक जब आप आएंगे डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन कराने के लिए। तो यहाँ पर लिखा है आपके आधार कार्ड होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासिंग ईयर प्रोविजनल एचएससी मतलब हाई स्कूल के मार्कशीट हो, फिर डॉक्यूमेंट में ओबीसी एससी कास्ट सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद नॉन क्रीमी लेयर यहाँ पे है तो वो सर्टिफिकेट, इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, एचएल वार्ड आपने अप्लाई किया तो वो सर्टिफिकेट, और यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा कैंडिडेट है तो यहाँ पे एमएचआरडी पर आप रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फिर आईटीआई कैंडिडेट की अप्रेंटिसशिप इंडिया gov.in पर आप रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फिर आपके यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं पढ़ लीजिएगा, वो फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे आप चाहे तो ये देख पा रहे हैं स्टैंप लगा हुआ है। अब यहाँ पे हम दूसरा मेल ओपन कर लेते हैं, दूसरा मेल में क्या बताया गया उसके बारे में भी यहाँ पे जान लेते हैं। दूसरा शेड्यूल जारी किया गया, शेड्यूल देख लेते हैं कब से कब तक ये शेड्यूल जारी किया गया है। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, हमने सेकंड डॉक्यूमेंट शेड्यूल वेरिफिकेशन का ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि तो ये देख लीजिए स्टार्ट हो गया शेड्यूल का स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या क्या शेड्यूल है। यहाँ पे आपका शेड्यूल जो दिया गया, सबसे पहले डिप्लोमा कैंडिडेट का दिया गया है 14 सितंबर की डेट में, यहाँ पे उनका शेड्यूल जारी किया गया, जबकि इनका 6 सितंबर को था, और यहाँ पे 9 से लेकर 2 बजे के बीच में एक ही दिन में आपको यहाँ पे जाना है डिप्लोमा के कैंडिडेट को। अब यहाँ पे ग्रेजुएट कैंडिडेट जो हैं, चाहे वो आर्ट्स, बीकॉम, साइंस, कॉमर्स, फार्मेसी वगैरह, उनका भी 14 तारीख की 9 से 2 के डेट में कर दिया गया, मतलब 14 तारीख की डेट में थर्सडे के दिन सुबह 9 बजे से 2 बजे के बीच में हो जाएगा, जबकि इनका 7 और 8 को था, और उसके बाद यहाँ पे 9 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक यहाँ पे आईटीआई के कैंडिडेट का था। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 15 तारीख की डेट में यहाँ पे कोपा का रखा गया है, 15 सितंबर की डेट में 9 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आपको फ्राइडे के दिन जाना है। बाकी जितने भी ट्रेड हैं सभी ट्रेड का, 15 ट्रेडों का 16 सितंबर 2023 को सैटरडे के दिन जाना है, 9 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में जाकर के करा देना। जबकि 16 सितंबर की डेट में ये रखा गया था, जो कैंडिडेट छूट जाते हैं वो 16 सितंबर की डेट में आके करा सकते थे पिछले शेड्यूल में, लेकिन ऐसा यहाँ पे कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया। अगर आपको सिर्फ एक मौका दिया जाएगा, अगर आप छूट जाते हैं तो कोई बात, तो वहाँ पर आप छूट जाएंगे, दोबारा आपको पुनः मौका नहीं दिया जाएगा कि आप फिर से जाकर के वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें। तो इस वजह से आप बहुत ही केयरफुली होकर के जाइएगा, अभी बहुत टाइम है, 14 तारीख से यहाँ पे शेड्यूल जारी किया गया 14 तारीख से, तो आप लोग आराम से टिकट वगैरह करा करके अच्छे से जाइएगा और इत्मीनान से दे करके आइएगा, और आपका बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट जाएगा, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं। तीसरा डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये जो है आपको फॉर्म दिया हुआ है डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन फॉर्म का, इसमें आपको ईमेल आई डी डालना है कैपिटल लेटर में, फिर यहाँ पर फुल नेम वगैरह डालना, फिर यहाँ पे एड्रेस डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डाल देना, उसके बाद अपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह मेंशन कर देनी है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है अपना कैटेगरी वाइज जो भी है वो मेंशन कर देना। ये आपको नहीं फिल करना अंडरटेकिंग वाला, ये ऑफिस वर्क के लिए वो लोग खुद फिल करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, एचएल नासिक का डीवी का न्यू शेड्यूल जारी हो चुका है, 14 सितंबर से लेकर 16 सितंबर के बीच में होगा, जिसमें से 14 तारीख को डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट को, 15
तारीख को कोपा के कैंडिडेट का है, 16 तारीख को सभी ट्रेड के कैंडिडेट का, आईटीआई की जाकर के अपना आप लोग अपना डीवी करा लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से डीवी कराइएगा, टिकट वगैरह आराम से करा लीजिएगा, आराम से जाइएगा। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो आगे तक फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट को इस अपडेट से अवेयर हो सके, उनको पता चल सके कि हाँ डीवी का नया शेड्यूल जारी, उनका डीवी छूटे ना। तो वीडियो कैसी लगी लाइक करके सब्सक्राइब कर दिए, और किस ट्रेड से आप ये कमेंट में हमें मेंशन कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद जय भारत। अगर कोई भी दिक्कत होती आपत्ति होती तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको 24/7 के अंदर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।